हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लंग फिट बॉडी फिट। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नेबुलाइजर के बारे में। नेबुलाइजर को करेक्टली यूज़ कैसे करना है। अपने फर्स्ट पार्ट में हमने जाना इन्हेलर को कैसे यूज़ करना है, आज हम जानेंगे नेबुलाइजर को यूज़ कैसे करना है। तो पहले आप जा करके मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट पर नेबुलाइजर को कैसे यूज़ करना है वो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेबुलाइजर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये कंप्रेसर होता है, ये पावर स्विच है जिससे ऑन ऑफ होता है, ये एयर ट्यूब कनेक्टर है जिसमें हम एयर ट्यूबिंग कनेक्ट कर देते हैं, ये फ़िल्टर होता है नीचे इसके, ये फ़िल्टर वाइट होना चाहिए, अगर ये ब्लैक हो जाता है या ब्राउन हो जाता है तो उस फिल्टर को आपने चेंज कर देना है। और यहाँ पे होते हैं वेंट्स। ये नेबुलाइजर मास्क है, ये एयर ट्यूबिंग नीचे से नेबुलाइजर से कनेक्ट है और ऊपर ये मेडिसिन चैम्बर से कनेक्ट है। इसके ऊपर होता है मेडिसिन चैम्बर जिसमें हम मेडिसिन डालते हैं। इसके अंदर होती है एक कैप जो कि आजकल के नेबुलाइजर में मास्क में इनबिल्ट होती है, चिपकी हुई होती है। इसका होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, तभी दवाई अंदर जाती है और मिस्ट फॉर्मेशन होता है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। इसके ऊपर मास्क होता है जो डिटैच भी हो जाता है। मास्क के अंदर ये स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के माध्यम से हम इसको अपने सिर में पहन सकते हैं। आइए जानते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे रेस्प्यूल नाम की दवाई आती है, इसका वॉल्यूम होता है 2.5 to 3 ml। कुछ रेस्प्यूल होते हैं जिनको आप मिक्स भी कर सकते हैं आपस में, कुछ रेस्प्यूल होते हैं जिनको आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये आप अपने डॉक्टर की सलाह से कि कौन कौन से रेस्प्यूल हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको मिक्स कर सकते हैं, तो आप उनको मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा मेडिसिन चैम्बर होता है इसमें भी मार्किंग्स होती है। यहाँ पे 5 ml है, टोटल 10 ml से लेकर के 13 ml तक के मेडिसिन चैम्बर आते हैं और एक रेस्प्यूल आता है 2.5 to 3 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है, इसमें जो लिक्विड होता है ये कैपेसिटी होती है। तो इसमें ईजिली 2 रेस्प्यूल आप डाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे डालते हैं। पहले इसकी कैप को हम ट्विस्ट करके खोलते हैं, इसमें से हम मेडिसिन चैम्बर को खोल करके इसमें रेस्प्यूल को उल्टा करके पूरा रेस्प्यूल इसके अंदर डालेंगे आखिरी ड्रॉप तक, फिर इसको बंद कर देंगे घुमा के। जब हम इसको ऑन करेंगे पावर स्विच से तो एक मिस्ट फॉर्मेशन हो रही है, आप देख रहे हैं मिस्ट फॉर्मेशन आपके लंग्स में अंदर जानी चाहिए। तो लंग्स में जाने के लिए जब आप इसको ऑन करेंगे ये मिस्ट आपके लंग्स में जानी चाहिए। आपने नोटिस किया कि मैं इसमें सांस ले रहा था, ठीक है। तो पेशेंट की क्वेरी होती है कि डॉक्टर साहब हमें क्या बहुत लंबे लंबे सांस लेने हैं, सांस नाक से लेना है या मुँह से लेना है जब नेबुलाइजर का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर ये है कि आपको नॉर्मल सांस जैसे आप लेते हैं नॉर्मली वैसे लेते रहने हैं, मुंह से सांस इंस्पायर करके एक्सपायर करना है जैसे आप नॉर्मली सांस लेते हैं। हर 3 नॉर्मल सांस के बाद आपको एक सांस लंबा अंदर खींचना है ऐसे, यानी कि 3 सांस नॉर्मल और 4th सांस लंबा खींचना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे लेना है और उसको छोड़ना है। अब इसको लेना कितने टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो लेने का टाइम है वो होता है 5 से 10 मिनट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिसिन दिखाई दे रही है, 5 से 10 मिनट में क्या होगा कि ये जो मेडिसिन, ये जो मिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जो भाप उड़ रही है, ये तो आती रहेगी, 5 से 10 मिनट बाद ये दवाई सारी ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। लेकिन मिस्ट जो होती है वो 30 मिनट तक आती रहती है, वो मिस्ट आपने नहीं लेनी है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है। जब ये दवाई ख़त्म हो जाए, जब पूरी फिनिश हो जाए यहाँ तक, आपने उतना ही मेडिसिन को लेना है, उसके बाद में इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक नेबुलाइज़र आपने एक पर्सन पे ही यूज़ करना है। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं, सेम मास्क से हम बड़ों में और बच्चों में सेम मास्क का प्रयोग कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेम पेशेंट में भी, अगर सेम पेशेंट में हम दूसरे टाइम यूज़ करेंगे तो आपने इसको वॉश करना है। वॉश कैसे करना है, इसके सारे पार्ट्स को आपने खोल देना है। इसमें आपको मास्क लेना है, मेडिसिन कनेक्टर लेना है, मेडिसिन चैम्बर लेना है, कैप को अलग करना है और एयर ट्यूबिंग को अलग कर देना है। इन सारे पार्ट्स को आपने एक छोटी सी बकेट में आपने पानी लेना है, हल्का सा गर्म पानी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल करके आप हिला करके उसमें जब फॉर्म बन जाए उसमें ये सारे पार्ट्स को डाल सकते हैं और 5 मिनट बाद आप उनको सिंपल वाटर से या डिस्टिल वाटर से वॉश करके सूखने के लिए रख सकते हैं।
ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मास्क को नहीं धोते हैं वो अंदर से गंदा हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो जाते हैं। स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो लोग मास्क नहीं धोते हैं उसमें 10 से 15 दिन में बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन देखने को मिलता है 50% पेशेंट्स में के मास्क में। तो इसको धोना बहुत ज़रूरी है। जब ये गंदा हो जाए तो 6 महीने बाद आप इसको चेंज कर दीजिए मास्क को, और एक मास्क को एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल रखिए, दूसरे पेशेंट के लिए आपने उसको यूज़ नहीं करना है। और एक बात का और आपने ध्यान रखना है, जब भी आप इस नेबुलाइज़र का यूज़ करें उसके 3 या 4 मिनट बाद या तो आपने पानी पी लेना है या कुल्ला कर लेना है या गरारे कर लेने हैं, जिससे कि ये जो मेडिसिन है, जो ये जो मिस्ट की फॉर्म में आपके मुंह के अंदर से लंग्स में गई है, तो ये आपके मुंह में ना चिपकी रहे, जिससे कि आपको फंगल इन्फेक्शंस होने का खतरा या ओरल अल्सर होने के चांसेस कम रहें। इसलिए आपने ल्यूकवॉर्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से रिंस करना है माउथ को थोरोली, और गरारे भी कर सकते हैं, बीटाडिन गार्गल भी कर सकते हैं। अब जो ड्रग डिलीवरी होती है इसमें मास्क से, ये मैक्सिमम होती है। जो हमने इन्हेलर से जाना कि कुछ इन्हेलर होते हैं 15% तक ड्रग डिलीवर करते हैं लंग्स के अंदर, कुछ 18% तक करते हैं, इसकी जो ड्रग डिलीवरी होती है 24% होती है, और इक्वल होती है जब हम मीटर डोज इन्हेलर को MDI को स्पेसर के साथ में कनेक्ट करते हैं। लेकिन MDI को, मीटर डोज इन्हेलर को स्पेसर के साथ में लेना पेशेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और नेबुलाइज़र लेना पेशेंट्स को बहुत ईजी लगता है। ये नेबुलाइज़र का यूज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम चिल्ड्रन में, बच्चों में यूज़ कर रहे हैं, और एल्डरली पॉपुलेशन में जो 60 अबव हैं, या पेशेंट बहुत क्रिटिकल हैं, पेशेंट बहुत सिक हैं, या पेशेंट की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन्हेलर ले पाएँ, क्योंकि इन्हेलर लेने के लिए आपकी सांस में कुछ जोर होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, तभी आप इन्हेलर को खींच पाएंगे। अगर स्टेमिना नहीं है, जोर नहीं है, पेशेंट क्रिटिकल हैं या सिक हैं या बच्चे हैं छोटे, वो इन्हेलर नहीं ले पा रहे हैं, या एल्डरली एज ग्रुप के लोग हैं, उनमें नेबुलाइज़र का यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि फेस मास्क क्या होता है। फेस मास्क के थ्रू हम नेबुलाइज़र लेते हैं जो कि हमारे ड्रग चैम्बर से और उसके बाद में एयर ट्यूबिंग से कनेक्ट होके इसको हम स्ट्रिंग के माध्यम से पहन सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमारा एक और डिवाइस होता है माउथ पीस। जैसे यहाँ पे हमने फेस मास्क को कनेक्ट किया है, ऐसे यहाँ पे माउथ पीस कनेक्ट हो जाता है। माउथ पीस ओपन होता है, आप उसको ऐसे लगा करके, मुंह में लगा करके इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, और वो जो मिस्ट है वो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाएगी। अब जो ड्रग डिलीवरी होती है वो माउथ पीस से ज़्यादा होती है, फेस मास्क से कम होती है, लेकिन जो माउथ पीस हैं वो इतने ईजिली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए सभी लोग फेस मास्क का प्रयोग करते हैं, सबको लगता है कि फेस मास्क ज़्यादा बेटर है। बट आइडियली अगर बात करें तो जो माउथ पीस होता है, माउथ पीस फेस मास्क से ज़्यादा बेटर होता है, उसमें ड्रग डिलीवरी भी ज़्यादा होती है। और जो ऐसे पेशेंट जिनको क्लस्ट्रोफोबिया होता है कि हमारे फेस पे क्या लगा दिया है आपने, कुछ पेशेंट क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं, इनको फोबिया होता है, वो भी वो ओपन फील करते हैं, और आप उनको माउथ पीस के माध्यम से ले सकते हैं। माउथ पीस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ बच्चे माउथ पीस को होल्ड नहीं करते, वो हटा देते हैं इधर उधर, तो ऐसे बच्चों को आप फेस मास्क उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो आप देखें कि पेशेंट क्या लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि पेशेंट की कंफर्टेबलनेस इन डिवाइसेस को लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही चाहे आप इन्हेलर ले रहे हैं, नेबुलाइज़र ले रहे हैं, आप ब्रेथ एक्चुएटेड डिवाइस ले रहे हैं, पेशेंट क्या चाहता है, क्योंकि दवाई सब में सेम है, चाहे आप नेबुलाइज़र में इसके माध्यम से लें, रेस्प्यूल के माध्यम से, इसे हम रेस्प्यूल कहते हैं, या इन्हेलर से लें, दवाई सब में सेम है, हर तरीके की दवाई हर डिवाइसेस में उपलब्ध हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि पेशेंट किस में कंफर्टेबल ज़्यादा फील कर रहा है, क्योंकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा तभी वो करेक्ट टेक्निक से दवाई अंदर लेगा। करेक्ट टेक्निक से दवाई पेशेंट लेंगे तो ड्रग डिलीवरी लंग्स में ज़्यादा होगी, पेशेंट जल्दी ठीक होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट किस में कंफर्टेबल है लेने में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कि पेशेंट को नेबुलाइज़र कैसे यूज़ करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।